वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शिल्पा, स्वागत करते हैं आपके शिल्पा माहीज ब्लॉग में। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। एंड गाइस, आप लोग बैकग्राउंड देख के समझ ही गए होंगे कि मैं अपनी ससुराल में हूँ। हाँ गाइस, सो गाइस, थोड़ी देर से आपको शिवानी से भी मिल पाऊंगी। शिवानी अभी नहा रही है। एंड गाइस, मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ। आज मैंने हेयर वॉश किया है, अभी थोड़ा सा हेयर गीले हैं तो थोड़ी देर में ये ड्राई भी हो जाएंगे। एंड गाइस, आप मेरी सिस्टर की शादी के ब्लॉग्स बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, उसके लिए दिल से थैंक यू गाइस। एंड गाइस, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताया कीजिए कि कैसे हमारे ब्लॉग्स लग रहे हैं आपको। सो गाइस, शिवानी जब तक नहा रही है तब तक चलते हैं अपन किचन में और देखते हैं क्या कुछ करना है, कुछ खाने पीने का बनाते हैं गाइस। एंड गाइस, घर का अपडेट दे देती हूँ। घर में सब लोग अच्छे हैं, मम्मी पापा, शिवानी वगैरह, आयुषी। आयुषी को तो आपको पता ही है, लास्ट टाइम एक्सीडेंट हो गया था काफ़ी टाइम पहले, अभी अच्छे से रिकवर कर रही है, बहुत जल्दी वो पूरी तरह ठीक हो जाएगी गाइस। एंड सब कुछ ठीक है, चलिए किचन में चलते हैं और कुछ बनाते हैं। मैं किचन में आ चुकी हूँ और चलिए कुछ बनाते हैं। सो गाइस, आज हम बना रहे हैं आलू का पराठा, जो कि बहुत टेस्टी, बहुत यमी लगता है गाइस। अभी इस सीजन में, मतलब विंटर ऑलमोस्ट जाने वाली है, मार्च चल रहा है, लेकिन गर्मी में तो खाने का मन नहीं करता, लेकिन जाते जाते आलू का पराठा और खा लिया जाए। सो गाइस, शिवानी मेरी हेल्प करवा रही है थोड़ी सी, तो चलिए हम प्रिपरेशन वगैरह कर लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। सारी प्रिपरेशन हो चुकी है, चलिए अब पराठा बनना है, स्टार्ट करते हैं। जरूर बताना किस किस को आलू का पराठा पसंद है और कौन कौन खाना पसंद करता है, और आप लोग सर्दियों में खाते हैं कि नहीं खाते। गाइस, मैं तो बहुत ज़्यादा आलू का पराठा पसंद करती हूँ, मुझे सारे पराठों में से आलू के पराठे सबसे ज़्यादा पसंद है। एंड गाइस, मेरी फैमिली में सब लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, श्वेता, मुकुल वगैरह। एंड गाइस, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आप पसंद करते हैं या नहीं। चलिए शुरू करते हैं आलू का पराठा बनाना। ये आलू मैंने बॉईल कर लिए हैं और ये थोड़े से ठंडे हो गए हैं गाइस, तो शिवानी आ गई है मेरी हेल्प करने। तो शिवानी यहाँ पर आलू छील रही है, मैंने कहा बेटा तब तक आलू छील दो, मैं दूसरा काम कर लेती हूँ। तो शिवानी आजकल मेरी हेल्प करवा लेती गाइस, उसके थोड़े एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं। एंड गाइस, यहाँ पर मैंने देखिए ये लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची और प्याज ले लिया गाइस, इन सभी को मैं चॉप कर लूँगी। तो ये आप अगर प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। सो देखिए, मैंने ये सब को चॉप कर लिया गाइस, और इधर देखिए शिवानी ने आलू भी पूरे छील दिए हैं। अभी शिवानी इनको मैश करेगी। और सो यहाँ पर गाइस देख सकते हैं आप, आलू यहाँ पर मैश कर रही है शिवानी। एंड गाइस, मैं तब तक आटा लगा लेती हूँ। सो गाइस, ये मैंने आटा ले लिया, ये गेहूं का आटा लिया है गाइस मैंने। एंड गाइस, इसमें डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन, गाइस इससे टेस्ट बहुत इन्हांस हो जाता है गाइस, एंड ये डाइजेशन के लिए भी अच्छी होती है। एंड गाइस, इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, तो देखिए, और इसे आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे गाइस, और एक सॉफ्ट सा डो लगा लेंगे। सो गाइस देखिए, ये डो लग चुका है, एंड इसे थोड़ी देर के लिए हम रेस्ट करने के लिए रख देंगे गाइस, सॉफ्ट लगाना, जिससे आपके पराठे बहुत अच्छे बने, पराठे फटे नहीं। सो इसे थोड़ी देर, 15 मिनट के लिए मैं इसे रेस्ट करने के लिए रख देती हूँ। और यहाँ पर ये देखिए, आलू ऑलमोस्ट मैश हो चुके हैं। चलिए इसमें आप कुछ मसाले डालते हैं। सो गाइस, ये है हमारे मसालों का पिटारा, इसमें डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्ची, हल्दी, धनिया पाउडर एंड नमक। एंड गाइस, ये क्रश करके हम कसूरी मेथी डाल देंगे। एंड गाइस, ये चॉप करके ये अदरक, लहसुन, प्याज वगैरह जो रखा हुआ था ये सब डाल देंगे, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे गाइस, जिससे सारे मसाले आलू में अच्छे से मिक्स हो पाएँ और इनका फ्लेवर बहुत अच्छा निखर के आए। एंड गाइस, अब डालेंगे इसमें चॉप धनिया। गाइस, ये हरा धनिया से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, आप ये ज़रूर डालिएगा, कोशिश कीजिए उसकी मात्रा थोड़ी ज़्यादा रखिएगा। सो गाइस देखिए, ये धनिया भी हमने मिक्स कर दिया है, और इसे बस ढक के रख देंगे। ये आटा वगैरह सब लग चुका है, आपको दिखाया था। एंड गाइस, ये हमारी स्टफिंग रखी है। चलिए, मैं किस तरह से आलू का पराठा रोल करती हूँ वो आपको बताती हूँ। इसमें से थोड़ा सा आटा लेंगे, बड़ा बना लेंगे इसका, इस टाइप से। इसको इस टाइप से मिलेंगे, ये गाइस मैं बिगिनर के लिए बना रही हूँ, जिन्हें के पराठे फट जाते हैं या कोई दिक्कत आती है पराठे बनाने में, या जो स्टूडेंट्स हैं बाहर रहते हैं। इस टाइप से बनाया आपने, लंबा कर लिया ना, इसे बीच से इस टाइप से कर देंगे। देखिए,
देखिए आप, समझ में आ रहा होगा आपको। तो अब इसमें स्टफिंग डालेंगे, एक हिस्से में स्टफिंग डालेंगे गाइस, और साथ में हमारी शिवानी भी सीख रही है गाइस आप लोगों के साथ। क्यों शिवानी? हाँ, वैसे इस टाइप से करेंगे, वैसे इसे लॉक कर देंगे गाइस, ऐसे ये चारों तरफ से लॉक हो जाएगा। और स्टफिंग ऐसे फैला देंगे। इधर मैंने गैस चालू कर दी है, तवा गर्म हो रहा है। इसमें सूखा आटा थोड़ा सा ऐसा करेंगे, लगाएंगे इस टाइप से गाइस, हल्के हाथों से इसे फेलेंगे इस टाइप से। देखिए गाइस कितने आसानी से पराठा बेल गया। आपको पतला चाहिए, मोटा चाहिए, उस हिसाब से आप बेल सकते हैं। और आप देख सकते हैं कहीं भी हमारी स्टफिंग निकली नहीं है, बिल्कुल भी पराठा फटा नहीं है, आप देख सकते हैं। और गाइस ये इस टाइप से मैंने फिलिंग भरना ना मम्मी से सीखा है। तो गाइस इसको उठाएंगे और तवे पे इस टाइप से डाल देंगे हल्के हाथों से। सो गाइस पराठे को अच्छे से सिकने देंगे। आई मीन तीन तरीके से आपको स्टफ करना बताऊंगी, आपको जो भी तरीका पसंद आए और उससे आप स्टफ कर लिया करना, अपना पराठा बना लिया करना। चलिए पराठा सेकते हैं। गाइस आप फ्लेम को मीडियम ही रखिए। इसे पलटेंगे इस टाइप से, दोनों साइड से अच्छे से सिकने देंगे गाइस। तो गाइस इसको पलटेंगे एक बार, देखिए दोनों साइड अच्छे से सिक चुका है। अब आप इसमें घी या ऑयल कुछ भी लगा सकते हैं। गैस आप लोग चिमटे से ही पलटिए, नहीं तो हाथ जल जाएगा, मुझे थोड़ा आदत हो गई है। तो गैस देखिए कितना अच्छा क्रिस्पी सिक चुका है पराठा। सो गैस अब आपको दूसरे तरीके से रोल करना बताती हूँ। ये बड़ा लिया है, इसको आटे में लगाया, थोड़ा से पूड़ी की साइज का बेलेंगे। क्लोज में दिखाओ सुनानी, साइज से आपने बेल लिया। अब इसमें स्टफिंग डालेंगे, आप देख सकते हैं इसे कचौड़ी स्टाइल बोल सकते हैं या मोमोज स्टाइल फिल करना बोल सकते हैं। देखिए गाइस जो भी एक्स्ट्रा आटा आया ऊपर से इसे हटा देंगे इस टाइप से, इसे दबाएंगे हल्के हाथों से। तो अब इस पर थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे, अब इसे हल्के हाथों से बेलेंगे गाइस। आलू निकला हुआ नहीं दिख रहा है, चलिए तवे पे डालेंगे। गाइस तीसरा तरीका भी आपको बता देती हूँ। इसमें क्या करेंगे, ये पेड़ा लिया है ना, इसको इस टाइप से कर लेंगे, थोड़ा हाथों से इस टाइप से कर लेंगे, थोड़ा गहरा गड्ढा टाइप बना देंगे। देखिए इस टाइप का बन गया। इस टाइप से इसमें फिलिंग ऐड करेंगे। एंड गाइस ये है ना आटे को कोशिश ऊपर तक लाने की कोशिश करेंगे इस टाइप से। इस टाइप से गाइस यहाँ इसको पैक कर देंगे। देखिए इस टाइप से कचौड़ी बनाते हैं शायद, है ना। चलिए थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और इसको बेल लेंगे। इधर देख लीजिए गाइस, इसको सेक लेते हैं।
देखिए गाइस कितने शानदार तरीके से फूल रहा है पराठा, मुंह में पानी आ रहा है कि नहीं गाइस देख के जरूर बताना। सो गाइस देखिए ये तीसरे टाइप का पराठा जो मैंने बताया था, सो वो भी सेक लेते हैं। बन चुके हैं एंड गाइस शिवानी को भूख लग रही थी तो शिवानी स्टार्ट कर दिया है गाइस। एंड गाइस मैं भी चलिए अपनी प्लेट लगा लेती हूँ। एंड गाइस आप बताना है, मैंने तीन तरह की आज स्टफिंग बताई थी आपको कि कैसे फिल करना है, आपको कैसा लगा या फिर आप इनमें से कौन सी वाली स्टफिंग फिल करते, 1 2 3 करके मैं बताऊंगी, आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। चलिए मैं अपनी प्लेट लगा लेती हूँ। नींबू का अचार, इधर मैं पराठा ले लिया है। एंड गाइस ये बनाई थी हमने कोरिएंडर एंड मिंट की चटनी यानी हरी चटनी, इसकी रेसिपी मैं कई बार बता चुकी हूँ गाइस तो इसलिए नहीं बताई। हमारा ब्रंच हो चुका है, पराठे बहुत टेस्टी बने थे गाइस। अब मैंने बनाए तो आपको लगेगा कि अपने मुंह से मियां मिट्ठू बन रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है गाइस, सच में अच्छे बने थे। एंड गाइस मैं शिवानी से आपको रिव्यू दिलवाती हूँ कि भाई उसे कैसे लगे, मैं उससे बोलूंगी भाई जेन्युइन रिव्यू दे रहा है शिवानी, जेन्युइन रिव्यू देना जो जैसा लगा वैसा, yes. है ना। चलिए आपको शिवानी से मिलवाते हैं, शिवानी बहुत टाइम बाद आप लोगों से मिल रही है, आप लोग शिवानी से मिल लीजिए। हाय बोलो शिवानी सभी से। हेलो गाइस, बहुत मजा आया आज मेरे को, इतने अच्छे पराठे बने थे और बहुत टाइम बाद खाया मैंने, मजे ही मजे हो रहे हैं मेरे तो, बहुत दिन से मजे ही मजे हो रहे हैं मेरे, जब से पेपर खत्म हुए तब से मजे मजे चल रहे हैं मेरे। सो गाइस शिवानी 10th स्टैंडर्ड में थी, इस बार उसने 10th के एग्जाम दिए, तो शिवानी अब बताओ कैसे गए एग्जाम। एग्जाम तो मेरा अच्छी जाते हैं, बस मार्क्स की दे रही है कैसे आते हैं, फिर तो पता चल जाएगा कि हाँ सच में अच्छे गए थे। अच्छा रिजल्ट का इंतजार है। हाँ तो कब तक आएगा रिजल्ट? रिजल्ट मई तक का चल रहा है, अप्रैल के लास्ट तक आ जाएगा या मई में आ जाएगा। चलिए ठीक है। भाभी आ जाती है तो मेरे मजे मजे हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत सारे स्पेशल खाना बनाती हैं और मैं तो खाने की बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, मेरे बहुत पसंद है खाना, मैं इतना खा सकती हूँ। अभी भी मेरे प्लान्स हैं, अभी मैंने खाना खाया है 12:30 बजे और 2 बजे मैं रेस्टोरेंट जाऊँगी, मेरे तो मजे ही मजे हैं अभी। तो भैया रेस्टोरेंट क्यों जा रही हो ये तो बता दो। मेरा और मेरे फ्रेंड्स का थोड़ा गेट टुगेदर है 10वीं के बाद, क्योंकि फिर 11th में हम सब बिछड़ जाएंगे, सब अलग अलग स्ट्रीम ले लेंगे और कुछ तो जा भी रहे हैं स्कूल से, तो इसलिए आजकल बच्चों का देखो गेट टुगेदर चल रहा है गाइस, हमारे टाइम पे ऐसा कुछ नहीं होता था, काश उस टाइम भी कुछ होना चाहिए और पेरेंट्स थोड़े कूल होते ना तो हम लोग भी ऐसा फ्रेंड्स वगैरह मिलके गेट टुगेदर वगैरह करते, लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया गाइस। ये देखो अभी से गेट टुगेदर ये और वो चल रहा है, मजे मजे।